हेलो बीएससी होम साइंस स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आपकी बुक चल रही है अप्लाइड लाइफ साइंस। अप्लाइड लाइफ साइंस के अंदर जो आपका टॉपिक स्टार्ट हमने किया हुआ है वो क्या था? आईपीएम। आईपीएम मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या फिर इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स हमने इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी सारे इंसेक्ट्स को आज डिस्कस किया था। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईपीएम के अंदर, वो है आपका क्लोथ मोल्ड, यानी कि जो हमारे कपड़े आप देखते होंगे जब आप अलमीरा के अंदर अपने कपड़े रख देते हैं, तो कभी कभी हमारे जो कपड़े होते हैं उनमें छोटे छोटे से सुराख हमें मिलते हैं। तो वो कौन करता है, वो मतलब किस तरीके से हो जाता है, तो उसमें इसी ये जो क्लोथ मोथ होता है इसी का हाथ होता है। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं आपका क्लोथ मोथ से। जो क्लोथ मोथ होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, क्लोदिंग मोथ भी बोलते हैं। और जो ये कीट होते हैं इनकी कई प्रजातियाँ इसी सामान्य नाम से जानी जाती है, किससे, क्लोथ मोथ या फिर क्लोदिंग मोथ के नाम से जानी जाती हैं। और जो इनके लार्वा होते हैं वो क्या करते हैं, कपड़ों को खा जाते हैं, यानी कि कपड़ों के अंदर जो रेशे होते हैं उनको खाते हैं, और कुछ जानवरों के बालों को भी ये खाते हैं। मोथ्स एक पैरा फाइलेटिक कीड़ों के समूह हैं। पतंगों की लगभग 130 प्रजातियां हैं, जिसमें से कई का अभी तक वर्णन नहीं किया गया। पतंगे की अधिकांश प्रजातियां निशाचर होती हैं, लेकिन वहां भी संध्या और दैनिक प्रजातियां हैं। मतलब जो ये मोथ्स होते हैं इनकी कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो शाम के टाइम यानी कि संध्या के टाइम पर निकलती हैं, और कुछ प्रजातियाँ ऐसी होती हैं जो सुबह के टाइम हमें देखने को मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं मोथ का क्लासिफिकेशन, कि कौन से क्लासिफिकेशन के अंदर ये आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। किंगडम क्या होगा, एनिमिलिया, ठीक है। फाइलम क्या होगा, आर्थ्रोपोडा। जैसे कि मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि आर्थ्रोपोडा जो है वो सबसे लार्जेस्ट हमारा फाइलम माना जाता है। इसके अंदर बहुत सारे इंसेक्ट्स की हम स्टडी करते हैं। और क्लास क्या होगी, इंसेक्टा होगी। ऑर्डर लेपिडोप्टेरा होगा। और जीनस क्या होगा, टिनियोला, ठीक है। तो ये है आपका क्लासिफिकेशन किसका, क्लोथ मोथ्स का। तो ये आपको इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग नोट डाउन करना है। जिस भी स्टूडेंट्स को इंग्लिश में करना है इंग्लिश में कर लें, जिसको हिंदी में करना है आप वो हिंदी में कर लें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मानव समाज में वस्त्र और वस्त्र पशु रेशों से बने होते हैं। कई कीट प्रजातियां उन्हें खाती हैं, छेद और क्षति पैदा करती हैं, और परिणाम स्वरूप उन्हें एक कीट माना जाता है जो उन्हीं के सामान्य नाम को उनके आहार से प्राप्त करते हैं। मतलब ये है मानव समाज के अंदर कुछ हमारे जो कीट होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे कपड़े होते हैं उनको, उनके अंदर जो रेशे होते हैं उनको खा जाते हैं। और जो भी कीट होते हैं उनकी काफ़ी सारी प्रजातियां हमें देखने को मिलती हैं। जब वो हमारे कपड़ों को खाते हैं तो उसमें कुछ क्षति पैदा होती है, मतलब उसमें हमें निशान दिखाई देते हैं। जैसे हम अपने अलमीरा के अंदर से कपड़े निकालते हैं तो हमें दिखते हैं छोटे छोटे से होल होते हैं, तो वो इन्हीं के कारण होते हैं। किसके, क्लोथ मोथ के कारण, ठीक है। और जो उनके सामान्य आहार होते हैं उनसे हमें पता चलता है कि ये कौन सा और किस मतलब कपड़े को खाने वाला कीट होता है। तो इस तरीके से हम पहचानते हैं कि ये क्लोथ मोथ है। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं क्लोथ मोथ की लाइफ साइकिल को, कि जो इसकी लाइफ साइकिल होती है वो किस तरीके से कंप्लीट होती है, और जो क्लोथ मोथ होते हैं वो कितनी स्टेजेस के अंदर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारे अडल्ट होते हैं क्लोथ मोथ के, इनकी जो लाइफ होती है वो कितने दिन की होती है, 30 से 45 दिन की लाइफ होती है अडल्ट की। और फिर उसके बाद जो ये अडल्ट होते हैं ये क्या करते हैं, एग लिंग करते हैं, और जो ये एग होते हैं वो 4 से 10 डेज के अंदर हैच हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, एग से क्या बनते हैं, लार्वा बनते हैं। और जो ये लार्वा होते हैं ये कितने दिन सर्वाइव करते हैं, 2 से 30 मंथ्स हमारे जो इनके क्लोथ मोथ्स के जो लार्वा होते हैं ये सर्वाइव करते हैं। जो क्लोथ मोथ की लाइफ साइकिल होती है तो सबसे लंबा जो जीवन चक्र होता है वो किसका होता है, लार्वा का होता है। और ये लार्वा ही होते हैं जो हमारे कपड़ों के जो रेशे होते हैं उनको खाते हैं, और जो पशुओं के मतलब बाल होते हैं उनको कौन खाते हैं, ये लार्वा ही खाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये लार्वा होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपने ऊपर चारों तरफ कोकून बना लेते हैं। और जो कोकून का फॉर्मेशन होता है ये कितने दिन में कंप्लीट होता है, ये 8 से 10 दिन के अंदर अपने ऊपर कोकून को बना लेते हैं। और फिर जो ये कोकून होता है
मतलब जब ये लार्वा अपने ऊपर ककून बना लेता है, उसके बाद क्या हो जाता है, वापस से एक अडल्ट हमें मिल जाता है, यानी कि क्लोथ मोथ का अडल्ट हमें मिल जाता है। फिर वही वापस दोबारा से हमारी जो लाइफ साइकिल होती है वो दोबारा से अपनी लाइफ साइकिल को जीने लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी क्लोथ मोथ की लाइफ साइकिल, किस तरीके से हमने सारा का सारा देख लिया है। अब हम देखते हैं कि जो ये क्लोथ मोथ होते हैं ये किस तरीके से रोकथाम करते हैं, हम इनको किस तरीके से रोक सकते हैं। तो रोकथाम के तरीके क्या होते हैं, पतंगों को भगाने या मारने के लिए विभिन्न संसाधनों का उपयोग किया जाता है। फॉर्म एंड ट्रैप का उपयोग कपड़ों के पतंगों को गिराने और नष्ट करने के लिए किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स और क्या तरीके होते हैं क्लोथ मोथ को रोकने के, अन्य तरीकों में वस्त्रों के विरासत संग्रह की रक्षा करने के लिए सिफारिशों की कुर्सियों के नीचे की जांच करना, महीने में एक बार सभी फर्नीचर को स्थानांतरित करना और वैक्यूम सफाई करना, और छोड़े गए वैक्यूम क्लीनर बैग को सील करना, हर महीने कपड़ों की जांच करना और हिलाना, और नियमित रूप से एक्टिस और चिमनी की जांच करना शामिल होता है। मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो हमारे कपड़े रखे हुए हैं अलमीरा के अंदर, हमें उन्हें महीने में एक बार दो बार उनको हिलाना चाहिए, मतलब उनको देखना चाहिए, और धूप लगानी चाहिए क्योंकि लकड़ियों में ज़्यादा इन जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा जल्दी से वो करते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो इसीलिए इसमें दिखाया गया है मेनली क्या चीज़ें हैं कि आपको सफाई रखनी चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अपने कपड़ों को बचा सकते हैं। ऐसे ही हमारे जो एनिमल होते हैं, जैसे ये बता रहे हैं कि एनिमल को भी के रेशों को भी ये खाते हैं, तो इसी तरीके से जो हमारे एनिमल होते हैं हमें उनकी भी सफाई रखनी चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या था, IPM यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या फिर इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स आपकी फोर्थ यूनिट हम जो है आज इस टॉपिक के साथ कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स हमने बहुत सारे इंसेक्ट्स को इसके इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के ज़रिए हमने देखा कि किस तरीके से हम जो टर्माइट्स होती हैं, जो कॉकरोच होते हैं, और भी जो हमने इंसेक्ट्स को डिस्कस किया है कि वो किस तरीके से उनकी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है, किस तरीके से वो हमारे सॉइल को, हमारे एयर को और हम लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और उनके रोकथाम के जो तरीके होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल तरीके से भी और जो हमारे इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उस तरीके से भी हमने देखा है। ठीक है, तो ये आपका आज का जो लास्ट टॉपिक था IPM का, इसी के साथ आपकी जो फोर्थ यूनिट है वो कंप्लीट होती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको जो ये वीडियो है इसके ज़रिए सारा का सारा IPM का जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।